हेलो गाइस, वेलकम टू अ स्किन केयर वीडियो। इस वीडियो में मैं मेरे स्किन केयर जर्नी के बारे में बात करने वाली हूँ। उसके साथ साथ मैं डिफरेंट स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स एंड डिफरेंट स्टेप्स के बारे में भी बात करूँगी, ताकि आप अपने स्किन केयर अपने प्रॉब्लम के अनुसार चूज कर सको। और यस, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है एज कम्पेयर टू अदर वीडियोज जो मैं पोस्ट करती हूँ। सो यस, लेट्स डाइव इन डायरेक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरा स्किन हमेशा से ऐसा रहा है और मैंने कभी भी पिंपल, एक्नी और कुछ चीज़ के लिए सफ़र नहीं किया, देन वो गलत है। बिकॉज मैंने भी मेरे टीनेज में बहुत एक्ने पिंपल के प्रॉब्लम्स गुजर चुकी हूँ। आई रिमेम्बर स्कूल कॉलेज में मुझे बहुत ही ज़्यादा पिंपल होता था। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब पूरा फेस में भरा होता था, पर ऐसा होता था कि एक दो मेरे फेस में हमेशा पिंपल होता था। तो और क्या होता है ना, उस समय आज से 10 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, तब ना बहुत ज़्यादा ये सब होम रेमिडीज़ हम लोग बहुत पॉपुलर था। मुल्तानी मिट्टी, चंदन, एलोवेरा जेल, बेसन। तो क्या होता है ना, जब आपको पिंपल होती है, कुछ होता है ऐसा फेस में, आपको लगता है कि आई नीड टू गेट रीड ऑफ दिस नाउ, लाइक नाउ। तो हम बहुत ज़्यादा उसको टच भी करते हैं, पोक करते हैं, एंड वी थिंक कि ऐसे करने से हमारा स्किन जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। पर वही सबसे ज़्यादा गलत है जो आप आपके स्किन के साथ करते हो। मैंने भी किया है। नॉर्मली मैं सलोन में जाती हूँ बाल काटने के लिए और आईब्रोज बनाने के लिए। मेरा जो अपर लिप्स में जो हेयर है वो मैं खुद ही थ्रेड से निकाल देती हूँ, पर आईब्रो मेरे बहुत ज़्यादा थिक है तो मुझे जाना पड़ता है आईब्रो करने के लिए। तो ऐसे ही एक दिन मैं आईब्रो करने के लिए गई थी, तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि आपके फेस में इतना ज़्यादा बाल है, और उससे पहले मुझे किसी ने ये बात नहीं बोली थी। और उन्होंने मुझे बोला, रेकमेंड किया कि आप ना वैक्स कर लो फ्यू टाइम्स, अगर आप ऐसे वैक्स करते रहोगे तो आपका जो बाल का डेंसिटी है या ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी। अब मैं छोटी थी तब, कितना उम्र था, शायद 18 और 19 में भी, और मैं तभी आईब्रो बनाना स्टार्ट किया था। हाँ, जस्ट कॉलेज में, आई थिंक फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज। तो मैंने तो अब उनकी बात सुनकर मैंने वैक्स कर दिया फेस। घर आई तो मेरा फेस पूरा ऐसे रेड था, जैसे मच्छर काटने से नहीं होता है वैसा, एंड इट वॉज सो स्कैरी। उसके बाद से मुझे जो पिम्पल आनी स्टार्ट हुई, आई ऑलमोस्ट सफर्ड फॉर 6 मंथ्स, एंड इट वॉज अ हॉरिबल थिंग टू डू, आई हैव डन टू माई स्किन। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, आप कभी भी ऐसा किसी के बात सुनकर फेशियल हेयर को रिमूव मत कीजिएगा। तो मेरा स्किन हमेशा से ऐसा था। मैंने जब एविएशन ज्वाइन करने की फैसला की थी, तब मुझे पता था कि क्लियर स्किन चाहिए होगा। आई वेंट टू अ डॉक्टर, यस आई वेंट टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट। उन्होंने उस समय के लिए मुझे एक फेस वॉश दिए थे, एक मॉइस्चराइजर, एक सनस्क्रीन और एक जेल जो कि पिंपल आने से लगाने के लिए। उसको करीब मैंने 1 साल से भी ज़्यादा मेंटेन करी है। अभी तक मैं वो फेस वॉश यूज़ करती हूँ, बाकी सारी चीज़ धीरे धीरे छूट गए। मैं जैसे जॉब करती हूँ, हर समय एसी के अंदर रहती हूँ, और एरोप्लेन में जो प्रेशराइजेशन होता है उसके वजह से आपका स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होते हैं। तो 1 साल काम करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे मेरे स्किन के लिए थोड़ा ज़्यादा केयर करना पड़ेगा। तो आई स्टार्टेड यूजिंग टोनर। आई यूज़ टू यूज़ टोनर एवर सिंस, बट देन जब डॉक्टर मुझे वो प्रेस्क्रिप्शन दिए थे, करीब 1 साल के लिए मैंने सब कुछ करना बंद कर दिया। आई यूज़ टू ओनली यूज़ द डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब्ड क्रीम एंड द फेस वॉश एंड द सनस्क्रीन। देन व्हेन आई रियलाइज दैट आई नीड टू यूज समथिंग, आई इंट्रोड्यूस्ड टोनर अगेन एंड सीरम एंड मॉइस्चराइजर। नाउ आफ्टर वर्ड्स आई एम इंटरेस्टेड इन टू स्किन केयर, सो आई हैव डन लिटिल बिट ऑफ नॉट रिसर्च, काइंड ऑफ अ फाइंडिंग्स, कि कौन सा स्किन केयर किसके लिए अच्छा है, मैं मेरे स्किन के लिए क्या कर सकती हूँ, कौन सा चीज़ बेहतर होगा, इंग्रेडिएंट्स का काम क्या होता है, ये सब चीज़। यहाँ पे द मेन थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड नाउ द प्रॉब्लम इज कि हर स्किन केयर में ना एक्टिव्स है। आपके टोनर में भी एक्टिव्स है, आपके सीरम में भी एक्टिव्स है, आपके मॉइस्चराइजर में भी एक्टिव्स है, इवन माय फाउंडेशन हैज़ हेलोरोनिक एसिड। एक लिटिल स्केरी, बिकॉज आप हर चीज़ में अगर एक्टिव्स यूज़ करोगे, भले ही वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में है, पर क्या पता कि आपके मॉइस्चराइजर में जो एक्टिव है, दैट इंग्रेडिएंट इज़ नॉट कंपैटिबल विद द थिंग यू आर यूजिंग एज अ टोनर और मे बी सीरम। तो ये सब चीज़ की जानकारी थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप स्किन एक्टिव्स को ऑफकोर्स कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं, वो कभी कभी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, पर कभी कभी आपको ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है।
उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी थोड़ी देर बाद। अभी मैं आपको नॉर्मल एक बताना चाहती हूँ कि अगर आप स्किन केयर में नए हैं, आप बस मॉइस्चराइज़र यूज़ किए हैं इतने सालों से, तो मैं आपको पहले बोलूँगी कि आप क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग करना स्टार्ट कीजिए एंड ऑल्सो डे टाइम में सनस्क्रीन। सो आप क्लेंस कीजिए फेस वॉश, कोई भी जेंटल फेस वॉश यूज़ कीजिएगा, भले आपका स्किन ऑयली हो, ड्राई हो, सेंसिटिव हो, ऑलवेज ट्राई टू यूज़ अ जेंटल फेस वॉश। विद दैट यूज़ अ टोनर। इफ़ यू डोंट नो अबाउट द एक्टिव्स, नाउ एवरी टोनर हैज़ एक्टिव्स, लाइक दिस हैज़ हेलोरॉनिक एसिड, दिस हैज़ नायसिनमाइड, दिस ऑल्सो हैज़ हेलोरॉनिक एसिड, दिस हैज़ विटामिन सी। सो अगर आप कन्फ्यूज़ हैं तो कोई एक ऐसा टोनर यूज़ कीजिए जिसमें कोई एक्टिव नहीं है, लाइक दिस क्लेयर्स वन। दिस वन डजंट हैव एनी हेलोरॉनिक एसिड, विटामिन सी और नायसिनमाइड और एनीथिंग। इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, पर एट द सेम टाइम दिस इज़ 500 ml। ये आपको बहुत दिन तक लास्ट करेगा और आपको ऑफ़र भी मिल जाएगी। तो हमेशा से आप जब भी कुछ खरीदना चाहते हैं ना, कोशिश कीजिए कि ऑफ़र में खरीदने का। अभी साल भर सेल चलती है हर वेबसाइट में, तो थोड़ा सा वेट करके, रिसर्च करके बाय कीजिएगा, तो इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव। अगर आपका स्किन बाय चांस थोड़ा सेंसिटिव हो गया या स्किन बैरियर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो आप ना कोई भी चीज़ जिसमें सिका है वो ट्राई कर सकते हैं। दिस इज़ माय पर्सनल रिकमेंडेशन। अगर मेरा स्किन ऐसे थोड़ा सा इरिटेटेड हो जाता है, जैसे अभी मेरा स्किन थोड़ा इरिटेटेड है बिकॉज वो जो होली में कलर लगाए थे ना, उससे स्किन में थोड़ा सा रिएक्शन हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे छोटा छोटा दो डॉट पिंपल भी आया, मतलब पिंपल नहीं, मतलब ऐसे रैशेज जैसा मेरे स्किन में वही बड़ा पिंपल बन जाता है रातों रात। पर इस बार मैंने टेक केयर किया तो नहीं बना। तो मुझे जब स्किन ऐसे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है मेरा स्किन, तो मैं थोड़ा इरिटेटेड हो जाता है, तो मैं सिका यूज करती हूँ। मेरे लिए सिका बहुत ज्यादा काम करता है। दिस इज अ टोनर विच हैज सिका, एंड के अलावा भी मैं ये सिका क्रीम यूज करती हूँ। अदरवाइज ऑल्सो आई हैव वन मोर सिका बायो क्रीम बाय बायोडर्मा। ये खत्म हो गया है ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा बचा है एंड दिस वन आधा बचा है इसमें। तो कभी कभी आपको ऐसे भी करना चाहिए कि अगर आप स्किन केयर फॉलो कर भी रहे हैं, महीने में एक बार या मतलब 20 दिन में एक बार ऐसे स्किन को बस छोड़ देना चाहिए विदाउट डूइंग एनी स्किन केयर। क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर से ज़्यादा अगर आप कुछ करना चाहते हो, तो यू इंट्रोड्यूस अ सीरम इन योर स्किन केयर। अब कौन सा सीरम यूज़ करना है, देर आर लॉट ऑफ सीरम्स, विटामिन सी, नायसिनमाइड, हेलोरॉनिक एसिड, कोजिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, रेटिनॉल एंड वॉट नॉट। सो इफ यू गेट कन्फ्यूज, जस्ट यूज अकॉर्डिंग टू स्किन प्रॉब्लम और अकॉर्डिंग टू वॉट यू नीड इन योर स्किन। अगर आपको ग्लो की ज़रूरत है तो आप विटामिन सी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर विटामिन सी खरीद रहे हैं आप, मैं आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगी बिकॉज आई हैव परचेज विटामिन सी फ्यू टाइम्स एंड एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ। दिस इज़ अ वेरी फेमस विटामिन सी सीरम फ्रॉम क्लेयर्स एंड इट इज़ रियली रियली एक्सपेंसिव। अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ दिस प्लम विटामिन सी। प्लम का इसके रेंज में, इसके प्राइस में प्लम का 3 विटामिन सी आ जाएगा, 3 भी नहीं, कभी कभी 4 भी अगर ऑफर चल रहा है तो, और क्लेयर्स में बहुत ही कम टाइम ऑफर होता है। और मुझे ऐसा हुआ कि ये विटामिन सी सीरम विद इन अ मंथ इट टर्नड इंटू कम्प्लीटली येलो कलर। और मैंने थोड़ा बहुत जो फाइंडिंग्स निकाला इस येलो कलर के बारे में कि जब आपका विटामिन सी ऐसे येलो हो जाता है, इट मीन्स इट हैज़ गॉट ऑक्सीडाइज और ये आपके स्किन में रिजल्ट नहीं दिखाएगा, तो इसको लगाकर कोई फ़ायदा नहीं है। अभी तक देखो इतना पड़ा है, बाकी जो मैंने यूज़ किया है वो भी मैंने अपने हैंड्स में यूज़ किए हैं। तो मैं आपको थोड़ा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगी, स्पेशली जो विटामिन सी ऐसे क्लियर बॉटल में आता है ना, आप वो लेने की कोशिश मत कीजिएगा। बोलते हैं नॉर्मली कि सनलाइट में आके ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ट्राई टू गेट अ बॉटल विच इज नॉट वेरी क्लियर लाइक दिस वन। सो एंड आई विल शो यू दिस वन, इट्स बिन लाइक 2 months एंड इट इज स्टिल नॉट ऑक्सीडाइज्ड, इट इज स्टिल द क्लियर कलर। ऐसा बॉटल खरीदने की कोशिश कीजिए जो पूरा क्लियर नहीं है, तो इसमें सनलाइट का इफेक्ट से ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो अगर आपका स्किन थोड़ा ड्राई साइड पर है, मतलब थोड़ा ड्राई है, आप फिर हेलोरॉनिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। हेलोरॉनिक एसिड इज़ वेरी गुड टू प्रोवाइड मॉइस्चर टू योर स्किन। नायसिनमाइड इज़ गुड फॉर ऑयली स्किन एक्चुअली एंड ऑल्सो पिगमेंटेड स्किन। अगर आपके स्किन में पिगमेंटेशन है, थोड़ा सा ऑयली है या ओपन पोर्स है आपके स्किन में, ऑयली स्किन में मोस्टली ओपन पोर्स का प्रॉब्लम होता है बिकॉज ऑफ द ऑयल प्रोडक्शन थ्रू आउट the day and night and all the time, niacinamide toner में भी use कर सकते हैं, जो मैं करती हूँ। I use niacinamide toner and I use niacinamide serum as well। पर आप ये दिमाग में रखिएगा कि एक ही जो ingredients जैसे niacinamide, वो हर skin product में नहीं होनी चाहिए। जैसे face wash में भी niacinamide, toner में भी niacinamide, serum में भी niacinamide, moisturizer में भी niacinamide, ऐसा नहीं होना चाहिए। Next we'll come to retinol। तो retinol जो है ना, ये vitamin A
होता है टॉपिकली जो स्किन के लिए यूज़ किया जाता है टू काइंड ऑफ प्रिवेंट प्रीमैच्योर रिंकल्स एंड प्रीमैच्योर एजिंग ऑफ योर स्किन। पर इसके लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है बिकॉज रेटिनॉल शुरू में यूज़ करने से बहुत लोगों की स्किन में बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन होती है। आप अगर आपका उम्र 25 साल से ज़्यादा है मैं तभी रेकमेंड करती हूँ ये रेटिनॉल यूज़ करने के लिए। और अगर आप रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं दिन में तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करती, रात को अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप स्टार्ट कीजिए वंस इन अ वीक और मे बी ट्वाइस इन अ वीक, फिर धीरे धीरे इसको इंक्रीज कर कीजिएगा लाइक टू डेली और मे बी ऑल्टरनेटिव डेज। यूज़ अ वेरी थिक मॉइस्चराइजर आफ्टर अप्लाइंग दिस रेटिनॉल सीरम, इट हैज़ अ टेंडेंसी टू मेक योर स्किन फोटो सेंसिटिव, सो यू ऑलवेज यूज़ अ सनस्क्रीन द नेक्स्ट डे इफ यू गो आउट और नॉट गो आउट, यू आर एट होम स्टिल यूज़ अ सनस्क्रीन बिकॉज इट विल मेक योर स्किन सेंसिटिव एंड इफ यू आर नॉट यूजिंग सनस्क्रीन योर स्किन विल गेट डैमेज्ड। नेक्स्ट विल कम टू सनस्क्रीन, विद दैट सनस्क्रीन आई एम यूजिंग दिस डॉक्टर सेट्स सेरामाइड एंड विटामिन सी सनस्क्रीन राइट नाउ एंड आई हैव यूज्ड क्वाइट अ फ्यू सनस्क्रीन्स लाइक दिस लैवशी, दिस इज ऑल्सो गुड, आई हैव यूज्ड इट क्वाइट अ बिट यू कैन सी, बट आई लव द बेस्ट इज दिस सेरामाइड विटामिन सी सनस्क्रीन बाय डॉक्टर सेट, इट्स द मोस्ट सूटेबल अंटिल नाउ वट एवर आई हैव यूज्ड। आई डिड नॉट एक्सप्लोर अ लॉट व्हेन इट कम्स टू सनस्क्रीन बिकॉज दिस इज वन प्रोडक्ट विच आई हेट यूजिंग बट कांट हेल्प इट, लाइक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो आई हैव टू यूज इट। आई स्वेयर बाई दिस वन नाउ बिकॉज दिस इज नॉट ऑयली नॉट ग्रीसी, दिस डजंट लीव अ वाइट कलर। मैं बात करना भूल गई वो है मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है पर मोस्टली मैं दो ही चीज़ यूज़ करती हूँ जिसमें एक है ये स्नेल मॉइस्चराइजर बाई कॉसारेक्स और दूसरा है सिटाफिल का कम्फर्ट क्रीम नाइट क्रीम दैट सूट्स बेटर फॉर मी। आपको कोई भी मॉइस्चराइजर जो आपको सूट करता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा कुछ करना है तो आप स्किन हाइड्रेटर के यूज़ कर सकते हैं जैसे कि स्क्वालीन, स्क्वालीन मेरे को ज़्यादा सूट करता है, कुछ लोग रोज़ेप ऑयल यूज़ करते हैं पर उससे मेरे को बर्निंग सेंसेशन होती है। आई हैव ऑयली स्किन बट द सेम स्किन केयर कैन बी यूज फॉर अ पर्सन हु हैज़ अ नॉर्मल काइंड ऑफ अ स्किन, इवन इफ योर स्किन इज ड्राई बट इट इज़ नॉट सुप्रीमली सेंसिटिव और इट इज़ नॉट पीलिंग, सो यू कैन यूज द सेम थिंग वॉट आई हैव सेड in this video. I am having an oily skin but at the same time I do not use any specific mattifying product. It is not good to use any mattifying product in your skin for a longer period of time. It does damage your skin, that's what I have heard, and I seriously do not use any mattifying product, be it in makeup, be it in skincare, nothing mattifying, maybe oil free sometimes but not mattifying. So these things can be used in dry skin as well. ऐसा नहीं है कि आपको जो प्रोडक्ट मैं दिखा रही हूँ वही यूज़ करना है, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, जस्ट मेक श्योर कि यू रीड द इंग्रेडिएंट्स एंड नाउ इट्स बेटर टू यूज़ अ प्रोडक्ट विच हैज़ नो फ्रेग्रेंस। आई यूज़ ऑल द प्रोडक्ट्स विच इज़ फ्रेग्रेंस फ्री बिकॉज फ्रेग्रेंस के अंदर बहुत कुछ चीज़ होता है और वो हमारे स्किन के लिए सेंसिटाइजिंग हो सकता है। हाउएवर आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एंड इफ़ यू हैव अ सीवियर स्किन प्रॉब्लम, योर स्किन इज सीवियरली सेंसिटिव और यू आर स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ एक्ने पिंपल इन योर स्किन ऑल ऑफ अ सडन, it might be for a certain reason, there might be something you have done wrong or you are doing wrong. For that case I would not suggest you to watch any video or follow that skincare. It's always best to go to a dermatologist. When I was suffering from a severe pimple and acne problem, I went to a dermatologist. Yes, I have got cure from them. Also, one more thing to remember, अगर आप स्किन केयर करने के बाद आप सोने जा रहे हैं तो मेक श्योर आप 15-20 मिनट पहले स्किन केयर अप्लाई कर लीजिए, नहीं तो वो स्किन केयर तुरंत अगर आप बेड में चले जाएंगे तो वो सारे पिलो कवर्स में निकल जाएगा। दूसरा चीज़, जब भी आप स्किन केयर करो आप अपना हैंड्स अच्छे से वॉश कर लेना और अगर आप मेकअप लगाते हो जो मेकअप ब्रशेज होते हैं उसको रेगुलरली वॉश करते रहिएगा, स्पेशली जस्ट स्पंज, आई वॉश इट एवरी डे बिफोर आई अप्लाई माई मेकअप। ब्रशेज समटाइम्स द थिंग आई यूज इट ऑन माई आईज टू अप्लाई आई शेडो, वो हर रोज़ मैं धो नहीं पाती हूँ पर मैं ऑलमोस्ट मतलब हर 3-4 दिन में एक बार धो देती हूँ। आपको भी ऐसी करनी चाहिए स्किन हाइजीन में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड लेट मी नो वॉट एल्स यू वॉन्ट इन द स्किन केयर वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग, आई सी यू अगेन, बाय बाय।